गुड मॉर्निंग सी एस पैरा मेडिकल कॉलेज में हम आपकी ओटी की क्लास देखते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, कौन सी क्लास है ये? ओटी की क्लास है। और ओटी की क्लास में हमें आज क्या पढ़ना है? कल के पार्ट में हमने देखा था ओटी टेक्नीशियन के वर्क, क्या देखे थे कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर ओटी टेक्नीशियन का क्या क्या काम होता है, ठीक है। आज हम देखेंगे स्टरलाइजेशन, क्या देखेंगे? स्टरलाइजेशन। अभी स्टरलाइजेशन क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन मतलब क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन कहलाता है ओटी के अंदर या ओटी में रखे इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट से वायरस और बैक्टीरिया को पूर्णतः किल करना क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन कहलाता है। कर सकते हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज
ठीक है, ऊष्मा, तो ऊष्मा के द्वारा स्टरलाइजेशन करना या ऊष्मा के द्वारा प्रेजेंट ओटी में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वायरस को खत्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीट स्टरलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? हीट स्टरलाइजेशन कहलाता है। अब देखो हीट स्टरलाइजेशन के कितने प्रकार है, टू टाइप्स ऑफ हीट स्टरलाइजेशन, कितने प्रकार है, टू टाइप्स ऑफ हीट स्टरलाइजेशन। पहला क्या है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, दूसरा क्या है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या कहलाता है, यह कैसी होती है, बहुत इफेक्टिव, ठीक है, बहुत इफेक्टिव, कैसी होती है, बहुत इफेक्टिव ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होती है, ठीक है। अब ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब बिजली से चलने वाली मशीन, ठीक है, एक बिजली से चलने वाली मशीन होती है जिसका नाम क्या होता है, ब्लोअर। क्या होता है, ब्लोअर। ब्लोअर को क्या करते हैं हम, उसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और कितने डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं, इसको 160 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं, कितने, 160 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं। और ये कितने घंटे में स्टरलाइज करता है, या एक घंटे का समय लेता है, कितने घंटे का समय लेता है, ये एक घंटे का समय लेता है। तो हीट ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एक इक्विपमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है जिसका नाम ब्लोअर होता है, ठीक है। ब्लोअर को क्या करते हैं, एक घंटे में कितने डिग्री सेल्सियस में, 160 डिग्री सेल्सियस में इक्विपमेंट को क्या किया जाता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, इस इक्विपमेंट के अंदर, इस मशीन के अंदर सामान जो भी, जिसको मतलब जो जो वस्तु इसको ऑटोक्लेव कर सकते हैं, जिससे मतलब जिस जिसको इसमें स्टरलाइजेशन करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट को आप इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ड्राई हीट है तो क्या बनता है, इसमें वाष्प होती है, गर्माहट, जो गर्मी पैदा होती है 160 डिग्री सेल्सियस में, जो गर्मी उत्पन्न होती है, उस गर्मी से क्या होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट हमने डाला है उसमें जो बैक्टीरिया वायरस है वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, और ये टोटल क्या हो जाता है, डिसइंफेक्ट हो जाता है या स्टरलाइज हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं हम देखेंगे कि जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है इसके क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। हम क्या देखेंगे, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के क्या क्या लाभ होते हैं, तो क्या क्या लाभ होते हैं, इसमें क्या होता है कि स्टीम या गैस स्टरलाइजेशन से स्टरलाइज ना होने वाले, इसमें गैस इंस्ट्रूमेंट रखते हैं जो भाप से स्टरलाइज ना हो, किससे, भाप से, ठीक है। भाप से हम किसमें करेंगे, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। अभी हम क्या कर रहे हैं, गर्माहट, गर्मी के थ्रू हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइजेशन करते हैं। तो इसमें कैसे इंस्ट्रूमेंट का या कैसे सामान को स्टरलाइज किया जाता है, इसमें हम कौन सा पाउडर, टेलकम पाउडर, कौन सा, टेलकम पाउडर। दूसरा होता है कांच के सामान होते हैं, ग्लास आइटम्स होते हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट, ग्लास आइटम्स हम किसमें करते हैं, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में करते हैं। और क्या करते हैं, बंद टीन के डब्बे, किसका, बंद टीन के डब्बे। तो इस और कौन से इंस्ट्रूमेंट करते हैं, आई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, आंखों के ऑपरेशन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ना, उसको किसमें स्टरलाइज करते हैं, ब्लोअर में, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में करते हैं। तेज धार वाले इंस्ट्रूमेंट, कैसे, तेज धार वाले, जिसकी धार तेज होती है, नुकीले चीजें जैसे सीजर हो गया, ठीक है, ब्लेड हैंडल वगैरह हो गया, तो इसमें इनको किसमें स्टरलाइजेशन करते हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में। अब आप इसमें देखते हैं कि देखो कोई भी मशीन है, वो मशीन काम कर रही है तो उसके कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं। तो अभी हमने इसका क्या देखा, एडवांटेज देखा, मतलब लाभ देखा। अब हम इसकी हानि देखेंगे, क्या क्या हानि होती है इसमें। हानि होती है कि सबसे पहली हानि क्या होती है कि इसमें उच्च ताप लगता है, कितना, 160 डिग्री सेल्सियस बहुत कहला जाता है। तो पहला क्या होता है, उच्च ताप लगता है, प्लस उसके साथ इसमें समय बहुत लगता है, ठीक है, एक घंटे का समय ओटी में बहुत कहलाता है। तो पहले इसकी हानि क्या है कि इसमें ताप ज्यादा लगता है, दूसरा क्या, इसमें समय अधिक लगता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसमें रबर के आइटम, देखो गर्म है, गर्माहट की चीज, गर्म, देखो स्टीम के द्वारा तो नहीं हो रहा है, भाप के द्वारा तो स्टरलाइज नहीं हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, गर्माहट के द्वारा। गर्माहट में अगर हम कोई प्लास्टिक की चीज रखेंगे या रबर की चीज रखेंगे तो वो क्या होती है, पिघल जाएगी, ठीक है। तो इसकी तीसरी हानि क्या है, इसमें रबर और प्लास्टिक का सामान नहीं रख सकते हैं, ठीक है।
ऑटोक्लेव मशीन समझ में आएगी, क्योंकि ओटी के अंदर इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन के लिए जो सबसे अच्छी प्रोसेस मानी जाती है क्या है, ऑटोक्लेव मशीन। और आज भी कई जितनी भी ऑपरेशन थिएटर है, जितनी भी ओटियां है, वहां कौन सी मशीन यूज की जाती है, ऑटोक्लेव मशीन। तो ये चीज आप पेपर के बेस से भी बहुत अच्छे से पढ़ना, और इसके बाद आपको जॉब भी करनी है ना, क्या करनी है, हॉस्पिटल में जॉब भी करनी है। तो ये ऑटोक्लेव मशीन जरूर अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ऑटोक्लेव की प्रक्रिया आज भी इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए की जाती है, ठीक है। तो अब वॉइस फीड स्टरलाइजेशन क्या कहलाता है, वॉइस फीड स्टरलाइजेशन क्या कहलाता है, हाई वैक्यूम स्टीम स्टरलाइजेशन टेक्निक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन कहते हैं। इसमें हाई वैक्यूम मतलब हाई प्रेशर बनता है, प्रेशर मतलब हाई दाब में क्या होती है, वस्तुएं स्टरलाइज होती है, इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट क्या होता है, स्टरलाइजेशन होते हैं। और किसके द्वारा स्टरलाइजेशन होती है, इसमें भाप के द्वारा, किसके द्वारा, भाप जिसको बोलते हैं स्टीम के द्वारा क्या होता है, स्टरलाइजेशन होते हैं, ठीक है। यह सबसे अच्छी विधि मानी जाती है स्टरलाइजेशन की, ठीक है। आजकल ब्लॉगर वगैरह यूज नहीं करते, ब्लॉगर वगैरह बहुत कम यूज होते हैं आजकल। सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, ऑटोक्लेव मशीन, क्या यूज होता है, ऑटोक्लेव मशीन। तो देखो ऑटोक्लेव मशीन क्या कहलाती है, इसका दूसरा नाम क्या है, ऑटोक्लेव मशीन का दूसरा नाम क्या है, स्टीम अंडर प्रेशर स्टरलाइजेशन। क्या, स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम मतलब स्टरलाइजेशन, स्टीम मतलब भाप, अंडर मतलब अंदर, प्रेशर मतलब दाब, ठीक है। तो जो अंदर क्या होता है, भाप का जो दाब बनता है ना, भाप से जो दाब उत्पन्न होता है उससे क्या होता है, स्टरलाइजेशन होता है, क्या होता है, स्टरलाइजेशन होता है। और ये किसमें होता है, ऑटोक्लेव मशीन में, किसमें होता है, ऑटोक्लेव मशीन में। और ये मशीन ओटी में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। अब इसको कैसे क्या यूज करते हैं, ये हम कब समझेंगे, कल समझेंगे, ठीक है। हम कल इसका डायग्राम बनाएंगे, प्लस इसमें कैसे ऑटोक्लेव की प्रोसेस होती है, ये सारी चीज हम कब समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन, ठीक है। केमिकल स्टरलाइजेशन क्या होता है, हम किसके द्वारा स्टरलाइज करते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन में, केमिकल स्टरलाइजेशन में हम किसके द्वारा स्टरलाइज करते हैं, केमिकल स्टरलाइजेशन में हम केमिकल के द्वारा, हमने अभी बताया ना, केमिकल स्टरलाइजेशन में हम किसके द्वारा स्टरलाइजेशन करते हैं, केमिकल के थ्रू हम स्टरलाइजेशन करते हैं, किसके थ्रू, केमिकल के थ्रू।